हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की स्पेशली वीडियो है हमारी डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी की सोडा फिलिंग प्लांट, जो ऑटोमेटिक प्लांट है। एक घंटे में 1800 से लेकर 2200 बोतल का प्रोडक्शन है और पूरी हैवी जंबो जेट प्लांट है। जो कस्टमर की मशीन डिलीवरी होने के लिए जा रही है, इसलिए हम आपको पूरी टेस्टिंग करके, पूरी ऑपरेट करके समझाएंगे मशीन में कैसे सोडा निकलता है, कैसे ऑपरेट होती है मशीन, कैसे चलती है। क्योंकि दोस्तों, इस टाइप की मशीन ऑटोमेटिक प्लांट हम लॉन्च करने वाली डॉल्फिन अप्लायंस इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो इस टाइप की ऑटोमेटिक प्लांट लॉन्च की है। तो आपको ये मशीन की पहले हमने बहुत सारी वीडियो डाली भी है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारा ऑर्डर इसका मिला भी है कस्टमर का। तो ये आज मशीन डिलीवरी होने के लिए जा रही है, तो हम आपको पूरी वीडियो में इसकी जानकारी देंगे, मशीन कैसे चलती है, कैसे ऑपरेट होती है। मार्केट में जो सेमी ऑटोमेटिक जो सस्ती मशीनें मिलती है, लो क्वालिटी वाली मशीन रहती है, उसमें और हमारी मशीन में क्या खासियत है, तो ये वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखिए, जिससे आपको ज़्यादा डिटेल्स, ज़्यादा नोटिफिकेशन मिले, मालूमात मिले कि कैसे मशीन में से सोडा निकाला जाता है। ये मशीन ऑटोमेटिक प्लांट है, तो इसमें क्या खासियत है और क्यों इसका प्रोडक्शन हाई प्रोडक्शन है, हैवी प्रोडक्शन है, इसके अंदर स्ट्रांगनेस पावर सोडा कैसे निकलती है, इसकी एक्यूरेसी क्यों परफेक्ट रहती है, वो सब चीज़ की जानकारी एक वीडियो में देंगे, यही वीडियो में देंगे आपको। तो वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखिए दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ये बिजनेस है सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस है। अगर कोई हमारे वीडियो यूट्यूब में फर्स्ट टाइम कोई व्यूवर्स देख रहा है, तो उनको भी जानकारी मिलनी चाहिए कि ये कौन सा बिजनेस है और क्या प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट है। आप इसके अंदर से, जैसे कि आपके एरिया, आपके मोहल्ले में, आपके नज़दीकी रिटेल स्टोर पे, कहीं पे भी आप इस टाइप का ड्रिंक पीते होगे, जैसे पेप्सी है, थम्सअप है, कोका कोला है, जीरा मसाला है, जो पेट बोतल में भरते पीते होगे, आपके बाज़ार में मिलता होगा 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये का बोतल मिलता होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मशीन के अंदर आप उस टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, जैसे कि 50-100 ml का, 200 ml का, 250 ml, 300 ml, लीटर, 1.25 लीटर, 2.25 लीटर फैमिली पैक, वो भी मार्केट में मिलता है। तो उस टाइप का भी बोतल आप ये मशीन के अंदर भर सकते हो। हमारी डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी सोडा फिलिंग प्लांट में बहुत सारे प्लांट बनाती है, मोर देन 12 से 15 अलग अलग प्लांट हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। तो आप उसमें से कोई भी मॉडल सिलेक्ट करके अपने बजट के हिसाब से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये मशीन के अंदर से आप मिनरल वाटर है, जैसे पानी का बोतल है, तो मिनरल वाटर भर सकते हो। मैंगो माजा जूस है, जैसे फ्रूटी है, मैंगो है, माजा है, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, तो वैसा जूस भर सकते हो। सोडा है, जैसे कि थम्सअप है, कोला है, ऑरेंज है, जीरा मसाला, जैसा कार्बोनेटेड ड्रिंक, मोर देन 40 अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं उसके अंदर दोस्तों। रेडबुल, आरबुल जैसा ड्रिंक है, तो वैसा भरना है तो भी आप इसके अंदर से भर सकते हो दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको जानकारी तो बता दी इसके बारे में। अभी इसके अंदर मैं आपको थोड़ा प्रॉफिट की बात बता दूँ कि क्या प्रॉफिट होता है। सबसे पहले, जैसे कि आप इस टाइप का 250 ml का बोतल, 250 ml का बोतल लगा अगर आप बनाते हो, जैसे कोई भी फ्लेवर, जैसे कि जीरा मसाला, ऑरेंज है, फ्रूट बियर है, लेमन है, कोई भी फ्लेवर है, 250 ml का अगर आप बोतल बनाते हो, तो इसको बनाने का खर्चा आज की डेट में, आज की डेट में मतलब कि मैं आपको डेट आज का चेक करके, आज 20 मार्च आप देख सकते हो दोस्तों टाइम, और 20 मार्च है आज, आज की डेट में दोस्तों रॉ मटेरियल का रेट थोड़ा हाई हो चुका है, इसलिए मैं आपको आज की डेट की बात कर रहा हूं दोस्तों, कि आज की डेट में अगर आप इस टाइप का 250 ml का बोतल फिलअप करते हो, तो एक बोतल बनाने का खर्चा आपको 4.50 रुपये में लैंडिंग होता है, जिसके अंदर बोतल, इसका फ्लेवर, इसका ढक्कन, इसका स्टिक रिंग, इसका मेंटेनेंस और इसका 25 पीस का बंच, एवरीथिंग इंक्लूडेड 4.50 रुपये में आपको लैंडिंग है। पहले आज से 2-3-4 महीने पहले यही बोतल आपको 4 रुपये 4.10 रुपये में गिरता था, लेकिन प्री फॉर्म का रेट भी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से बोतल थोड़ा महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से आपको 4.5 रुपये का एक बोतल का लैंडिंग जाता है। इसमें आप कोई भी फ्लेवर बना लो, A to Z, एक से लेकर 40 अलग अलग फ्लेवर है, कोई भी फ्लेवर बनाइए। मार्केट में इसका रिटेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, जो आदमी ड्रिंक करता है, जो रिटेल कस्टमर पीता है, वो 10 रुपये में खरीदता है, जो होलसेलर है वो 7 रुपये 8 रुपये में ये बोतल खरीदता है। आपके पास से अगर आपने फैक्ट्री डाला है, तो आपके पास से 7 रुपये में खरीदेगा, अगर आपका नया बिजनेस है तो 6.5 में खरीदेगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बोतल पे मिनिमम आपको कम से कम भी एवरेज गिनेंगे तो 2 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा मिनिमम। ये मशीन की कैपेसिटी है एक घंटे में 1800 से 2200 बोतल, अगर आप 1800 बोतल का भी एवरेज पकड़े
10 घंटा भी अगर मशीन चलाएंगे 18,000 बोतल का प्रोडक्शन करेंगे, रोजाना आपका सेलिंग पावर परफेक्टली चलाए तो रोजाना आपको 18 × 2 = 36, रोजाना 36,000 रुपये का 36,000 का प्रॉफिट मिलता है बिजनेस में, ठीक है। तो अभी हम आपको थोड़ा मशीन की जानकारी देंगे कि मशीन कैसे ऑपरेट होती है। ये पूरी यूनिट है दोस्तों, इनबिल्ट प्लांट है पूरा, इसके अंदर चार अलग अलग हमने हेड दिए, चारों हेड में आप अलग अलग फिलअप कर सकते हो। ये इसका मेन कंट्रोलर है, ये आप देख सकते हो, इससे आप पूरी मशीन को कंट्रोल कर सकते हो। और ये पैनल को आप कोई भी अपने ऑफिस एरिया में भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मशीन के बगल में या बाजू में ही रखना है आपको। अपनी ऑफिस में बैठ के आप, जो वर्कर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ से ऑफिस में बैठ के आप मैनेज कर सकते हो उसको। इसको आपको अभी तो हमने इसमें 10-10 फीट का लेंथ दिया है, इसका लेंथ है, साइज है। अगर आप चाहे तो इसको 20-25 फुट दूरी पे अपनी ऑफिस पे कंट्रोलर को रख सकते हो और आप जान सकते हो कि बोतल कितना फिलअप हो रहा है, कितना क्वांटिटी का जा रहा है, टू चिलिंग टेम्परेचर कितना है, तीनों कंप्रेसर का टेम्परेचर कितना है, चिल्डनेस कितना है, कितना स्ट्रांगनेस बन रहा है, ये सब चीज़ आप खुद अपने वहाँ पे बैठ के जान सकते हो दोस्तों। ये पूरा इसका यूनिट है, ये पूरा फोल्डिंग है, यहाँ से आप पिन निकालेंगे इससे पूरा निकल जाएगा, फोल्ड आउट हो जाएगा, दोनों अलग चीज़ हो जाएगा, मशीन और पैनल अलग हो जाएगा इससे, ठीक है। दूसरे नंबर में यहाँ पे हम एक स्टोर चिल्डर देते हैं कस्टमर को, आप देख सकते हैं ये 200 लीटर का स्टोर चिल्डर है, 200 लीटर पानी इसके अंदर फिलअप होता है और एक घंटे में इसकी 400 लीटर पानी ठंडा करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, एक घंटे में 400 लीटर। जैसे कि सबसे पहले आप पानी गर्मियों के मौसम में इसमें सबसे पहले आप पानी डालेंगे, जैसे नॉर्मल पानी का टेम्परेचर है 35 का टेम्परेचर है, तो आपने पानी सबसे पहले इसमें डाला तो ये 35 का टेम्परेचर है, उसका आपको सीधा 20 का टेम्परेचर लेस कर देगा। 35 का टेम्परेचर को 15 का टेम्परेचर बना के मशीन में सर्व करेगा। मशीन के अंदर भी हमने एक ऊपर स्टोर चिल्लर लगाया है 200 लीटर का, उसके अंदर 15 का टेम्परेचर का पानी जाएगा, दोबारा ठंडा होने उसमें जाएगा तो वो कर देगा 5 का टेम्परेचर, उसको 5 का टेम्परेचर तीसरी बार ठंडा होने नीचे ऑनलाइन चिल्लर दिया गया वहाँ जाएगा तो वो उसको 0 के टेम्परेचर के ऊपर सोडा निकालेगा, 0 या 1 के टेम्परेचर का सोडा बन के आउटलेट पे सर्विंग होगा इसके अंदर। ये तीनों तीनों जो स्टोर चिल्लर है उसके आउटडोर है, आप देख सकते हो 1, 2 और 3, ये तीनों इसके 1.5 टन के आउटडोर सिस्टम है तीनों अलग अलग, एक इसका स्टोर चिल्लर का है, एक इसका स्टोर चिल्लर का है और तीसरा ऑनलाइन चिल्लर का, तीनों का हमने स्टोर का आउटडोर भी लगाया हुआ है इसके अंदर साथ में, ठीक है। अभी हम आपको मशीन में से थोड़ा सोडा फील करके बताएंगे कि कैसे सोडा फील होता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये मशीन की मेन खासियत ये है कि ये मशीन में से सोडा और सिरप एक ही हेड में से निकलता है दोस्तों। आपको सेमी ऑटोमेटिक की तरह पहले सोडा फील करो, फिर सिरप फील करो, फिर कैपिंग करो, ऐसा नहीं है इसमें। एक ही हेड में से पहले सोडा निकलेगा, फिर सिरप निकलेगा और पूरी मशीन सेंसिंग सिस्टम पे वर्क होती है। मैं आपको एक बोतल भर के बताता हूँ मैं आपको इसमें। अभी तो हमने इसमें ओनली प्लेन सोडा ही फिलअप करके रखा है, ये आप देखिए यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, ये फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं जहाँ तक हमने सेट किया वहाँ तक इसके अंदर से गिरेगा दोस्तों। अभी अब हमने इसके अंदर फ्लेवर ऐड नहीं किया इसलिए फ्लेवर नहीं निकल रहा है इसमें से। उसको कैपिंग करने के लिए यहाँ पे कैपिंग मशीन है, ये मशीन स्टार्ट हो चुका है कैपिंग का, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे ढक्कन का बॉक्स है, खाली एम्प्टी एक ढक्कन रहते हैं यहाँ पे रखे जाते हैं इसमें, इसको ऐसे आपको यहाँ लगा देना है, ये बोतल ऐसे निकल गया आपका और यहाँ पे आके कैपिंग हो गया है, ये ढक्कन हो के रेडी है आपका कैपिंग। ये मार्केट में आपने जो भी फ्लेवर भरा है, ऑरेंज, जीरा मसाला, लेमन, लीची, फ्रूट बियर, इसको खाली स्टिकरिंग लग के मार्केट में सोल्ड करो, ये आपका बोतल बनके तैयार हो चुका है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का। और हमारी कंपनी वहाँ तक की गारंटी देती है कि आपको बाजार में से किंडी और लहर का स्ट्रांग पावरफुल क्लब सोडा लेके आने का और हमारी मशीन में से सोडा निकालने का, दोनों का हम आपको स्ट्रांगनेस सेम टेस्ट करके देंगे, सेम पावर सेम स्ट्रांगनेस बना के देंगे। जो बड़े बड़े प्लांट, कोका कोला पेप्सी कंपनी के प्लांट रहते हैं, 2 करोड़ के 3 करोड़ के हैवी प्लांट रहते हैं, उसमें से जो सोडा निकलता है वही सोडा हम हमारी मशीन में से निकाल के आपको देंगे इसके अंदर से। उसके बाद हम आपको दूसरा हेड भी चला के बता रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और पूरा सेंसिंग पे काम होता है दोस्तों। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, आपको कोई बटन दबाने का ज़रूरत नहीं है, पूरी मशीन सेंसिंग सिस्टम पे वर्क करती है। अभी इसका भी हम यहाँ पे कैपिंग कर देंगे, आप देख सकते हैं ये ढक्कन होके रेडी हो चुका है।
तीसरा भी हम आपको फिलअप करके बताएंगे, आप देख सकते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे। और बाय चांस कल सुबह अगर ये सेंसर में भी कोई इश्यू आता है, यहाँ पे जो सेंसर लगाए हमने, ये सेंसर में भी कोई इश्यू को ये पानी से की वजह से कोई प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा नहीं कि आपकी मशीन रुक जाएगी, उसके लिए हमने इमरजेंसी में यहाँ पे बटन दिया गया है। ये बटन दबाने में से भी आपने जितना सेट किया उतना सोडा निकलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी हम इसका बटन दबाएंगे तो इसमें से स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे पुश बटन भी हमने दिया है। अगर आप सेंसर पे यहाँ स्टिकर लगा दिया, सेंसर पे काम करना नहीं चाहते हो, तो आप बटन के हिसाब से भी काम कर सकते हो मशीन के अंदर। हमने दोनों ऑप्शन इसके अंदर अलग अलग दिया गया है दोस्तों। और मशीन के साथ हम दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री में आपको इसके आरओ प्लांट से, फिर बोतल धोने का वॉशर है, फ्लेवर मिक्सचर मशीन है, 20,000 बोतल का फ्लेवर है, CO2 गैस का सिलेंडर है, पूरी मशीन की पैकिंग है, पूरा कंप्लीट यूनिट बना के देते हैं दोस्तों। ये मशीन 4 हेड की है, इसके अंदर 2 हेड की भी एक मशीन बन रही है ऑटोमेटिक, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये 2 हेड की मशीन है, एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट था तो हम 2 हेड की भी बना रहे हैं मशीन है, आप देख सकते हैं पूरी, ये देखिए। तो आप ऑटोमेटिक में 2 हेड 4 हेड दोनों में से कोई भी सिलेक्शन करके ले सकते हो दोस्तों। और इसके अंदर आपको सेमी ऑटोमेटिक में, अगर आपका बजट कम है, मार्केट में फर्स्ट टाइम एंट्री करना है, तो आप हमारी सेमी ऑटोमेटिक भी बहुत सारी मशीन है, जो मिनी प्लांट है 1+2, 1+3, 2+2, फिर DA1000 मॉडल है, तो बहुत सारी प्लांट है। तो एक बार हमारी कंपनी में ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए बेहतरीन और बेस्ट क्वालिटी की सोडा फिलिंग प्लांट खरीदने के लिए दोस्तों। हमारी कंपनी का नंबर नीचे ब्लिंकिंग हो रहा है, वहाँ से आप नोट करके हमारी कंपनी में कॉल करके हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हैं। मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारी सेल्स टीम एक्टिव रहती है, सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक ही आपको एक्टिवेशन मिलेगा। वो टाइम पे आप कॉल करिए तो आपको ज़्यादा जानकारी नॉलेज मिलती रहेगी दोस्तों, और प्राइस की डिटेल मिलेगी, क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, हर सब जानकारी इसके अंदर आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारी डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी और भी बहुत सारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है, जैसे कि सोडा मशीन है, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है, शुगर केन मशीन है, जूस डिस्पेंसर है, बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करते हैं। थैंक यू दोस्तों।